हाय गाइस, मेरा नाम है सचिन मोदी और एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो 7 ट्रिक्स आज मैं आपको कराने वाला हूं, ये हमारे उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बैंक एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की कर रहे हो, ग्रुप डी की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। ये ओवरऑल रीजनिंग के 7 ऐसे टॉपिक्स हैं या फिर 7 ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपको हर बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी, जिसमें ज्यादा टाइम लगता है, जिसमें बच्चे को लगता है कि अरे यार कितना टाइम लगेगा इसके लिए, सर पूरा लिखना पड़ता है, बड़ा जोर आता है, क्या करें। तो ये वो ट्रिक्स हैं जो आज आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपन सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अपने वाला जो सबसे पहला क्वेश्चन है बहुत आसान है, मतलब इसे केवल पढ़ते ही सॉल्व कर सकते हो और आंसर कर सकते हो। कैसे? ये क्या बोल रहा है कि एक रो है जिसमें सभी लोग नॉर्थ फेस करते हैं, ठीक है, नॉर्थ फेस कर लिया, चलो मान लिया हमने। फिर हमसे बोलता है कि प्रिया जो है लेफ्ट हैंड से 15वें नंबर पे है, तो भाई प्रिया को यहां से ले लो, लेफ्ट हैंड से ये 15 नंबर पे हो गई, राइट। इसके बाद बोलता है जो गरिमा है ना वो 19th नंबर पे राइट हैंड से, यानी कि इधर से गरिमा को ले लो 19th नंबर पे, और जिसको आता है भैया आंसर जरूर करिएगा कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब भैया इनको क्या हुआ, एक बात लगी, इंटरचेंज कर लें, यानी इस जगह पे तो आ गई प्रिया और इस जगह पे आ गई गरिमा, नंबर वही रहेंगे लेकिन लोग बदल गए, वो इधर चले गई वो इधर आ गई, इंटरचेंज हो गया। फिर क्या कह रहा है कि राम Who sits 24th from the left hand? राम है ना बाएं से 24वें नंबर पे, तो कॉन्सेप्ट लगाओ बस कि इधर से ये 24वें नंबर पे आ रहा है, दिमाग में रखना बस, है ना। And sits at 5th place to the left of Priya's new position. तो प्रिया यहां पे आ गई तो नई पोजीशन हुई कि नहीं, भैया पहले 15 नंबर पे थी, लेफ्ट से राइट से 19 हो गई, तो इसके लेफ्ट में 5वें नंबर पे है, तो 1905, क्योंकि ये 19 पे तो है ही, मैंने क्या कहा था नंबर नहीं बदला, तो 19 पे तो है ही, 5 और जोड़ दो 24 हो गई, ठीक है। यानी कि राम भाई जो है ना, राम भाई ये अपना लेफ्ट से भी 24 है, राइट से भी 24 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बताओ कितने लोग हैं रो में, तो 24 गुना 48, ठीक है, माइनस 1 बराबर 47, पहली बात तो ये इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया, अब सीधे सीधे आंसर कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका यह है, इसका दूसरा ट्रिक बता रहा हूं। अब देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप हमेशा ये याद रखना कि किसकी भी लेफ्ट हैंड से पोजीशन दी गई है वो लिख दो, ठीक है, और राइट हैंड से जो पोजीशन दी गई है, कौन सी दी गई थी, 19th, वो लिख दो, क्लियर है, लिख दिया। और इसके बाद जो बंदा यहां पे दे रहा है ना कि किसके लेफ्ट में है राइट में है, वो 5 और लिख दो, ठीक है, ये पूरा लिख दो, और उसके बाद आप -1 कर दो, यू विल गेट आंसर, योर आंसर। आपको अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अब मैंने आपको ट्रिक बताई, क्या बताई, जिसकी पोजीशन दी गई है वो लिखो लेफ्ट हैंड से, यानी कि और जो बंदा है पहले दिया हुआ राइट हैंड से वो लिखो, और उसी के बाद उसी से जो लेफ्ट राइट दिया गया वो भी ऐड करके -1 कर दो, आंसर आ जाएगा। ये पहले ट्रिक है। देखो दूसरा क्वेश्चन बहुत है, ये आप आराम से कर सकते हो, ओरली कर सकते हो। दूसरा ट्रिक क्या है, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए सुरेश क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, यानी कि एक फोटोग्राफ एक लड़के की सुरेश यहां पे कोई बात कर रहा है, सुरेश बोलता है He is the son of the only son of my mother. बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज रहता है, सर कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना है। कौन ये बात कह रहा है, सबसे पहले तो ये समझो कि सुरेश कह रहा है, तो आप सबसे पहले तो सुरेश का नाम लिख दो कि ये सुरेश ये बात बोल रहा है, ठीक है। अब सुरेश ने ये सारी बात बोली तो फिर पीछे से सॉल्व करो कि मेरी मदर, ये मेरी मदर हो गई, सुरेश की मदर हो गई। अब सुरेश की मदर का क्या है, ये ओनली सन, तो सुरेश की मदर का ओनली सन तो भैया सुरेश ही होगा, तो ये ओनली सन हो गया। और उस ओनली सन का ये क्या है, सन है, ओनली सन का सन है, यानी सुरेश का बेटा, हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे क्वेश्चन में जो ये बात कह रहा है उसको मिड में रखो और पीछे से पढ़ते जाओ, क्योंकि जो लाइन लास्ट लाइन होगी ना वो इसी बंदे के रेफरेंस में होती है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय, सुरेश उस लड़के से कैसे रिलेटेड है, ये तो वो लड़का है और सुरेश इसका क्या है, पापा यानी पिता यानी फादर, यानी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज डी। क्लियर हो गया, बात समझ में आई। ये अपने क्वेश्चन नंबर 2 था, यानी कि क्वेश्चन की ट्रिक नंबर 2 थी। ऐसे क्वेश्चन में क्या बोला मैंने, जो ये बात बोलता है उसको लिखो और देन पीछे से पढ़ना स्टार्ट करो, कुछ नहीं, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, फ्लैट एकदम रसगुल्ला जैसे मुंह में जाता है, पिघल जाता ना, वैसा हो जाएगा। चलो इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन, बहुत दिक्कत आती है सबको, सनराइज में क्या होता है, सनसेट में क्या होता है, कुछ नहीं करना। आपको पता है इस केस ने क्या बोला है, सनराइज के बारे में बोला है, तो आप बस एक काम करिएगा, सनराइज कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप बना लो ईस्ट, आप बना लो वेस्ट, आप बना लो नॉर्थ और आप बना लो साउथ। इसे हमेशा कैसे करना है बता रहा हूं, द बेस्ट वे टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ यू नो शैडो बेस्ड क्वेश्चन, चाहे सुबह हो या शाम हो, आराम से कर लोगे। क्या कह रहा है,
कि ये क्रॉसिंग पॉइंट पे मिले कौन कौन, प्रकाश जो है कॉलेज जा रहा था और वो किससे मिल गया, लोकेश से मिला किसी क्रॉसिंग पॉइंट पे। लोकेश की जो शैडो है वो एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ प्रकाश है। अब एक तरफ मान लो लोकेश है, एक तरफ मान लो प्रकाश है, ये एक दूसरे के आमने सामने है, क्योंकि कह रहा है ना इफ दे वर फेसिंग ईच अदर ऑन विच डायरेक्शन, प्रकाश फेसिंग, अगर ये एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जब सुबह होती है, सूरज भगवान उदय होते हैं पूरब से, तो उनकी जो सारी किरणें होती है ना, सारी किरणें वो पश्चिम की तरफ आती है कि नहीं आती है, आती है। अगर लोकेश भाई साहब यहां पे हैं और लोकेश की फेसिंग नॉर्थ में है, तो लोकेश का ये राइट साइड होगा और लोकेश का ये लेफ्ट साइड होगा। ये सबसे पहले लिख लेना, दिस इज द बेस्ट वे। और इसी तरह से ये जो प्रकाश है, प्रकाश सूरज भगवान का प्रकाश नहीं, ये वाला प्रकाश आदमी, ये साउथ की तरफ देखेगा तो ये इसका राइट साइड होगा और ये इसका लेफ्ट साइड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो सॉरी, ये लेफ्ट नहीं होगा, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि अगर मैं इस कॉन्सेप्ट में ये कहूं कि हां सर सूरज भगवान उदय हो चुके हैं, प्रकाश इधर ही आएगा, सारी शैडो इधर ही आएगी, और अगर ये हमें मिल गया है प्रकाश और ये हमें मिल गया है लोकेश, फेसिंग नॉर्थ है तो ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड हो गया, है ना। तो यहां पे ही पूरी परछाई पड़ेगी, इसकी परछाई इधर पड़ेगी, इधर पड़ेगी, इसकी परछाई इधर 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 पड़ेगी। क्वेश्चन बोल रहा है अब लोकेश की शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ प्रकाश, लोकेश की परछाई ये है, किसकी राइट में है, प्रकाश की राइट में, बिल्कुल है प्रकाश का राइट भाई। ये जो है ये वाला एरिया, अगर ये लोकेश का बाया है तो प्रकाश का दाया भी तो होगा, बस प्रकाश की फेसिंग बता दो, आंसर आएगा साउथ। क्लियर? तो कभी भी अगर आपको डायरेक्शन का शैडो बेस करना है, दो बंदे बना के सबसे पहले लेफ्ट और राइट लिख देना बस, और ये लेफ्ट और राइट जैसे ही लिख दिया ना, सॉल्व, क्वेश्चन पिघल जाएगा आपको, गारंटी से बोल रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपके पास कभी भी कोई भी क्लॉक पे क्वेश्चन आता है और ये बोलता है कि बताओ एंगल कितना है मिनट हैंड के बीच में और आर हैंड के बीच में, एक फॉर्मूला लगाओ, 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना बजे डिवाइड बाय 2। मिनट की जगह मिनट से गुना करो, 4:20 बोला है, और घंटे की जगह 4 लिख दो, डिवाइड बाय 2। 11 गुना 22 220, ठीक है, 6×24 240, बस डिवाइड बाय 2। अब आपको पता तो है यार घड़ी कभी नेगेटिव टाइम तो दिखाती ही नहीं है, तो सीधी सी बात है 240 में से 220 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 20 और 2 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट 10 डिग्री आंसर, एंड द 10 डिग्री इज ऑप्शन नंबर 1। 11 गुना मिनट माइनस 60 घंटा बजे, 7 गुना बजे यानी 60 × 2 एंड यू जस्ट डिवाइड बाई 2। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन यहां पर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बहुत ट्रिकी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, देखो भाई अब हमारा और भी ट्रिकी क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे सर जिसमें हमेशा मिडवे की बात करता है, अगर ये इधर से इतना है, ये इधर से इतना है, तो बताओ इसके बीच में जो मिडवे है वो कौन सा आएगा। आप क्या करते हो, काउंट करते हो, कोई तो लिखते हैं ए से लेके जेड तक। अरे ना लिखने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, देखो ट्रिक समझना। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, इसने बोला विच लेटर विल मिडवे, मिडवे में है 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो इसने क्या बोला है लेफ्ट से 8th, पहली बात नोट डाउन करना, एंड 16th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, इसने फिर से क्या बोला है लेफ्ट बोला है, दोनों साइड लेफ्ट की है ना, और क्या बोला है मिडवे बताओ। अगर दोनों साइड लेफ्ट की है और अगर वो मिडवे बोल रहा है, आपको कुछ नहीं करना, दोनों साइड को एड कर लो। एक तरफ क्या बोला गया 8 बोला है, दूसरी तरफ क्या बोला गया 16 बोला गया, और डिवाइड बाय 2 कर दो, 24 डिवाइड बाय 2 यानी कि आंसर होगा L, जो कि आता है 12 नंबर पे, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C। बोलो याद क्या रखेंगे, बस एक चीज याद रखेंगे, दैट इज कि इधर भी लेफ्ट हो, इधर भी लेफ्ट हो, और दोनों तरफ अगर लेफ्ट हो तो बस एड करके डिवाइड बाई 2 कर दो और आंसर सामने आ जाएगा, गारंटी से बता रहा हूं। सारे रेल वाले बच्चों के काम आएगी ग्रुप डी के अंदर एनटीपीसी में, सारे एसएससी वाले बच्चों के काम आएगी, चाहे सीजीएल का पेपर हो, सीएचएसएल का पेपर हो, या सारे बैंक एक्सपेंस काम आएगी जब उनका प्री का पेपर होता है। क्लियर है? चलो अब देखो, अब हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच लेटर विल बी मिडवे, अगेन मिडवे की बात हो रही है, लेकिन 8th लेटर फ्रॉम द राइट, राइट से 8th लेटर, राइट से 8th लेटर, ओके, एंड 16th लेटर फ्रॉम द राइट, और राइट से ही 16th लेटर। अब भैया दोनों तरफ राइट है, इसका ट्रिक समझना, इसका ट्रिक क्या होगा, देखो एक कॉन्सेप्ट लगाओ, काम आसान, क्या करना है, इसमें एक चीज ऐड हो जाएगी, 27
माइनस, अब आपको ये जो नंबर दिया गया ना वो नंबर लिख दो, 8 प्लस 16 डिवाइड बाई 2, यानी 8 प्लस 16 तो एज अ टीज ही रहेगा, 8 प्लस 16 में कोई चेंजेस नहीं है। देखो 8 प्लस 16 में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन 27 माइनस 8 प्लस 16 डिवाइड बाई 2, 24 में से क्या गए, 24 को डिवाइड करो 2 से, 12, 27 में से 12 गए तो कितने बचे, 15, यानी कि O इज द आंसर। बस ओरली करना है, अगर इधर राइट है इधर राइट आ जाए कुछ नहीं, पहले तो क्या करो 8 16 24 डिवाइड बाई 2 12, 27 में से 12 माइनस गए हो गए 15, आंसर आ गया O, बस यही तो करना है। तो अगर ऐसा आ जाए तो ये करना है, लेकिन क्या करना है, जब दोनों तरफ राइट साइड हो तब करना है ये। पास समझ में आ गई, क्लियर हो गया, मतलब आपको अगर मान लो दोनों तरफ लेफ्ट साइड दिया हो तो डिवाइड बाई 2, दोनों तरफ राइट साइड दिया हो तो डिवाइड बाई 2 तो करना ही है, लेकिन 27 में से माइनस भी कर देना है। तीसरी कंडीशन, सर अगर सेम सेम साइड नहीं दी हो तो एक लेफ्ट दे दे और एक राइट दे दे, तब हम क्या करेंगे भाई, तब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। देखो विच लेटर विल बी मिडवे बिटवीन एट लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, बाएं से आठवां, सुनना बाएं से आठवां और दाएं से पंद्रहवां, आया कि नहीं आया, अलग अलग आ गया, एक ही फॉर्मूला लगाना है। देखो इस बार क्या करना है कि आपका जो एम है और एन है ये तो करना ही है आपको, ठीक है, प्लस 27 करके डिवाइड बाई 2 कर दो, बस क्या करना है, m माइनस है प्लस 27 डिवाइड बाई 2। आप सोचो सर m m क्या होता है, तो m आपका पहला वेरिएबल है जो दिया हुआ होगा यहां पे, पहला वेरिएबल, और n आपका दूसरा वेरिएबल होगा जो दिया हुआ होगा, बस जो पहले देंगे वो m होगा, जो बाद में देंगे वो n होगा, कुछ नहीं करना, बस क्या करना था, m माइनस n, 8 माइनस 16 जैसे दिया गया वैसे की वैसे लिखो, प्लस 27 एंड डिवाइड बाई 2। अब देखो 16 में से आ गए तो माइनस के 8, ठीक है, अब माइनस के 8 हो गए, अब उधर क्या बच रहा है, 27 बच रहा है, अब जैसे ही यहां पे 27 आ रहा है तो माइनस के 8 प्लस के 27 ऑब्वियसली बात है कितना बच रहा होगा, 16 और 8 कितने हो गए, 8 है यहां पे, सॉरी 15 है यहां पे, कितने हैं 15 है यहां पे, तभी मैं सोचूं डिवाइड बाय 2 तो हो ही नहीं पाएगा, तो ये 15 दिया हुआ है, राइट, ये 15 दिया हुआ है, तो 15 में से 8 गए तो 7 माइनस के 7 हुए, और माइनस के 7 हो गए तो फिर यहां पे क्या है, प्लस के 20 है, तो ऑब्वियसली बात है डिवाइड बाई 2 करेंगे तो प्लस का 20 आ जाएगा, और प्लस का 20 को डिवाइड बाई 2 करना है आपको, आंसर आ जाएगा जे, और जे आपका आंसर आ गया ये, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो क्या करना है, अगर दोनों सेम देगा लेफ्ट देगा दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, दोनों राइट देगा क्या करना है, दोनों को तो ऐड करना है डिवाइड बाई 2 भी करना है लेकिन माइनस 27, और तीसरा अगर सर लेफ्ट और राइट दोनों दे दे तो क्या करेंगे, आपको ये लेकर के बस ये करना है, यानी पहले माइनस करो फिर 27 में से माइनस कर देना, क्योंकि माइनस है ना, जो माइनस की वैल्यू है माइनस करोगे और उसके बाद डिवाइड बाय 2 करोगे, आंसर आ जाएगा आपके सामने। मुझे लगता है दोस्तों ये जो ट्रिक्स आपको मैंने बताई है 7 क्वेश्चंस की, ये 7 अलग-अलग पैटर्न है और आपको बड़ा मजा आएगा इन 7 ट्रिक्स को पढ़ने के बाद। तो अगर दोस्तों अच्छा लगे वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।